बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं आपको पॉलर की तरह स्किन पॉलिश घर में करना सिखाऊंगी। जब भी हम पॉलर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे फेस पर वो क्लिनजिंग करते हैं, और ये एक दो मरतबा क्रीमें यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं और उसके बाद स्किन पॉलिश लगाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्किन पॉलिश जब भी स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले वो एक कोई फेस वॉश या तो डर्मापास का या फिर किसी भी कंपनी का फेस वॉश लिया जाता है, और उसको इस तरह हमारे फेस पर थोड़ा सा लगाते हैं और उसको खूब अच्छी तरह इसको वॉश किया जाता है इस तरह, और इससे हमारी क्लिनजिंग की जाती है बहुत ज़्यादा बार। बिल्कुल साफ़ करने के लिए थोड़ी देर इसको फेशियल की तरह, जिस तरह हम लोग फेशियल के स्टेप लेते हैं, इस तरह इसका मसाज किया जाता है हमारे फेस का। फिर एक मिनट कम से कम मसाज करना है इसको, और फिर इसको आप अपने स्पंज से ये साफ़ कर दिया जाता है। इस तरह हमारे फेस पर जितना भी डर्ट वगैरह होता है ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में वो कोई सी भी आपके पास जो भी मसाज क्रीम है, मेरे पास बॉन्शी की है, तो ये मसाज क्रीम जो है वो थोड़ी सी आपके फेस पर अप्लाई होती है, ये यहाँ पर अप्लाई होगी, और फिर इसको भी हम थोड़ा इसका मसाज करेंगे जिस तरह वही स्टेप लेंगे जिस तरह आप फेशियल करते हो, बिल्कुल इसी तरह हम फेस पर मसाज करेंगे और अच्छे से स्टेप लेके और ऊपर की तरफ स्टेप लेंगे सारे, और अच्छी तरह हम इसकी स्किन में एब्जॉर्ब कर देंगे। और फिर जब ये मसाज हो जाएगा तो फिर हम इसको भी इसे स्पंज से साफ कर देंगे। देखिए इस तरह कर दिया। बस अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग खुद अपने घर में जिस तरह आप मसाज करना चाहें, एक दो मिनट तीन मिनट जितना भी मसाज करेंगे उससे आपकी स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। तो मैं यहाँ पे तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने जल्दी इसको क्लियर कर दिया। आप अपने हिसाब से इसकी क्लिनजिंग फेस की पहले क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद एक स्टेप है, इसके बाद वो जो है ना आपके पास जो भी टोनर है, जब हमारे पास क्लिनजिंग हो जाती है तो फिर हम ये टोनर लगाते हैं। टोनर इतना मैजिक समझे मैजिकल काम करता है। इस तरह हम टोनर लगाएंगे। टोनर से होता क्या है कि हमारे जो ओपन पोर्स वगैरह जो होते हैं ना वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, और ब्लैक हेड्स काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है ब्लैक हेड्स की। तो हम ये टोनर जब क्लिनजिंग हो जाए तो आप अपने स्किन पर ये टोनर लगा कर छोड़ दें। जब तक हम स्किन पॉलिश बनाएंगे तो जब तक ये हमारी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे हो जाएगा जब तक कि हम स्किन पॉलिश बनाना शुरू करते हैं। स्किन पॉलिश के लिए हम सबसे पहले इसका पाउडर यूज़ करेंगे। ये डर्मापास का पाउडर है, मैं डर्मापास से बना रही हूँ, तो हम इसमें लेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि अगर आप जितना इसका पाउडर लेंगे उससे डबल जो है वो आप इसका एक्टिवेटर लेंगे। बस सिंपल ये है तरीका इसका लेने का। ब्लीच इसकी तो पॉलिश ना भी की जाए तो सिर्फ ब्लीच ही की जाए तो इसके भी रिज़ल्ट अमेजिंग होते हैं। जिसने यूज़ किया वो जानता है। ये देखिए मैंने ले ली है। अब इसमें एक दो चीज़ें ऐड करनी है। आपको पता होगा कि जो है डर्माकॉस की ब्लीच हम सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ नहीं करते, इसमें ये ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस लाजमी मिलाना पड़ता है ताकि हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है इससे। इसको भी आप अपने हिसाब से ले लें कि जितना आपने ये ब्लीच लिए ना एक्टिवेटर लिए उतना ले लें, इससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है फेस पर। और इसमें थोड़ा सा सूदिंग लोशन डालना है, इससे भी स्किन में जो कभी कोई रैशेज आ जाते हैं या कोई रेडनेस आ जाती है तो इससे वो नहीं होती। और बस इसमें एक अगर आप चाहें तो ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये आप एक इसमें ऐड कर लें, और नहीं भी करेंगे तब भी बहुत
अच्छी इसकी स्किन का रिजल्ट आता है, लेकिन पार्लर वाले ही यूज़ करते हैं। बस इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो फिर ये आप अपने हाथों पर इसकी एप्लीकेशन करें। इस ब्लीच को तकरीबन कम से कम आप 20 से 25 मिनट तक आप अपने फेस पे लगे रहने दीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जल्दी नहीं करनी। इस ब्लीच में अभी काम करने में थोड़ा 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, फिर जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊँगा। चलिए देखिए, मेरे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इस ब्लीच को। अब मैं इसको आपके सामने रिमूव करती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है और अलग ही महसूस हो रहा है कि मैंने इतना हाथ पे स्किन पॉलिश की है। देखिए इस हाथ पे मैंने कुछ नहीं किया था, तो ये हाथ देखें और ये हाथ, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है। बस इसके बाद जो पार्लर में होता है, इसमें आप थोड़ा सा मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। मास्क आपके पास जो भी हो, मैं आपको कोई ख़ास कंपनी का नहीं कहूँगी, क्योंकि डर्मागॉस की काफ़ी चीज़ें जो पूरी रेंज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डर्मागॉस ही यूज़ कीजिए, लेकिन वरना आपके पास जो भी मास्क आप जो यूज़ करते हैं वो लें, और फिर इसको जो है थोड़ा सा इसमें टोनर लगा दें, क्योंकि मुझे जो है ना मास्क बहुत ही ज़्यादा लाइट लगाना है ताकि ये जल्दी सूख जाए, और हमें कोई फेशियल तो नहीं किया हमने, तो इसलिए बहुत पतला करके जो है ना हमें ये मास्क यूज़ करना है। बस ये आपको लगाना है और बस ख़त्म आपके स्किन पॉलिश का काम। और फिर देखें आप, आपका चेहरा कितना ग्लो करेगा और निखर जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा आपका फेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।